नगर पालिका परिषद देवबंद के सभागार में आयोजित मिशन नारी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के जिला अधिकारी रवीश कुमार ने बताया कि आज का ये कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन नारी शक्ति के उपलक्ष्य में है। ये कार्यक्रम 21 अगस्त से आगामी जनवरी तक चलता रहेगा, जिसमें सभी को नारी शक्ति के लिए अग्रेषित किया है और सभी को विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मिशन नारी शक्ति के हित में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में ओपिन कुमार और बिरला सूद ने भी विस्तार से महिलाओं को बताया। अंकित जैन के साथ अफजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज का ये कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन नारी शक्ति के उपलक्ष्य में है। वैसे तो ये चैत्र के नवरात्रों से स्टार्ट है, हो रखा है नारी शक्ति, लेकिन आज इसका फेज 3 स्टार्ट हुआ है 21 अगस्त से, जो आगामी जनवरी तक चलता रहेगा। इसमें भी हमने नारी शक्ति के लिए सभी को अग्रसित किया है, जिसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है कि और राज्य सरकार द्वारा कितने कौन कौन से कार्य नारी के लिए उपयोगी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है।